विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में आम जनताओं की समस्याएं सर चढ़कर बोल रही है। ये मटियाला बिंदापुर रोड है और आप देखिए यहाँ पे एक नाला है और नाला धस चुका है और जो लोगों का जो घरों का जो पानी है, नालों का पानी है, वो सीधा सड़कों पर आ रहा है। और क्योंकि अब जब जो लोग हैं वो शिकायतें करते हैं क्योंकि साफ सफाई की जिम्मेदारी है वो निगम पार्षद की बनती है, वो भी अपनी जो जिम्मेदारियां हैं वो ठीक तरीके से नहीं निभाते और जो मुख्य रोड है वो विधायक के अंडर में है, विधायक का अता पता नहीं है। कुछ लोकल इलाके के लोग हैं जो इस समस्या से ग्रसित है, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। क्या नाम है दादा आपका? राकेश कुमार। किस तरह की समस्या है? ये नाला खुलासा पड़ा है और ये समस्या तो बहुत पुरानी है भाई, कोई नई नहीं है। इसको तो चलते चलते धरना है किसान से है। ये हो गया कम से कम 3 साल तो मुझे देखते हो गए। 3 साल हो गए हैं। हाँ जी। कभी विधायक साहब यहाँ से गुजरते नहीं है क्या? विधायक साहब आते हैं, चले जाते हैं, क्या करते हैं? हाँ। कभी आप लोग इसकी शिकायत करते हैं क्या? शिकायत करते हैं ना, शिकायत करने हाल ही नहीं निकलते। नारियल फोड़ चुके हैं 2-3 बार, रोड बनना अभी तक तो बना नहीं। हाँ जी, यहीं पे नारियल फोड़ा और यहीं पे विकास रोड होगा, बनेगा थोड़ा सा आगे बना के छोड़ दिया, यहाँ का तो कुछ बना नहीं है। अरे बीच में तो बहुत बुरा हाल था, इतना पूरी गंदगी थी, यहाँ पे भरा पड़ा था सारा। नाले का पानी भी फिर भरा जाता होगा ज्यादा? नाले तो भरे पड़े, आप नाल ढक्कन खोल के देख लो आपको दिख जाएगा हमारे कहने को। नाले का पानी है सारा, ये है। शिकायतें करते हैं विधायक को, क्या बोलते हैं फिर? क्या बोले आप बताइए, सुनते ही नहीं है वो। अच्छा, सुनते ही नहीं है। अच्छा, चुनाव भी नज़दीक है और ऐसे में क्या देखते हैं कि अब वही जो जिन्होंने नारियल फोड़े थे वो तमाम नेता फिर से आपके पास आएंगे? किसी को भी वोट मत दो, कोई वोट मांगने आए वोट मत दो, ये सब पैसे खाने वाले हैं। ये किस तरह की समस्या होती है? खुला नाला है, कभी एक्सीडेंट होता है, लेकिन लोगों ने ही इसे बंद कर दिया, आपने डिवाइस पर बंद कर दिया, ये पानी बंद हो गया। कब से ऐसा हाल है यहाँ का? ये हो गया, 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। विधायक साहब नहीं आते इधर देखने के लिए? विधायक आते हैं, उन्हें नाले को ऑर्डर दिया है। अंदर से बनती आ रही है गाड़ी, नाली बनती आ रही है, उसके बाद अच्छा नंबर है। वहाँ हुआ था, वहाँ नाला बनना था, नाला जो है गैस बनाया, कैंसिल कर दिया। दुर्घटनाएं भी होती है इससे? हैं, दुर्घटनाएं भी होती है? नहीं अभी तक तो नहीं इससे, क्योंकि खुला हुआ नाला है और ये नाला का जो कंस्ट्रक्शन का काम करने के लिए नाला खोदा गया था, लेकिन अब हाल अभी 1 साल का समय हो चुका है लेकिन अभी भी ये खुला हुआ है। अच्छा, इस इलाके में अगर बात करें तो बदहाली की हालत है, किस तरह की समस्याएं होती हैं यहाँ पे? सर बदहाली तो आप खुद ही देख रहे हैं, ये हम तकरीबन 15 साल से यही झेल रहे हैं। बिल्कुल, मुझे इस उत्तम नगर में रहते हुए ना 35 ईयर्स हो चुके हैं, तो शायद उत्तम नगर का नाम सुनते ही पहले तो, अब तो लोग दूर से अगर उत्तम नगर का नाम सुन लेते तो कहते हम नहीं जाएंगे वहाँ पे, क्योंकि वैसे ही रोड छोटे हैं और रोड चौड़े भी कम है, तो उसके बावजूद उन्होंने ये हाल कर रखा, आधा आधा रोड तो पूरा कूड़े से घिर रखा है। पहले इन्होंने बोला कि MCD में हम आ जाएंगे, हम दिल्ली चमका देंगे, BJP वाले MCD में काम नहीं करते। उन्हें MCD में आए सर 2 साल हो गए, दिल्ली को पूरा कूड़ा घर बना दिया। आप किसी भी एरिया में जाके देख लिया, अगर कूड़े के ढेर ना मिल जाए ना आप तो बताना मुझे। दिल्ली सरकार ने महिलाओं के लिए बस फ्री कर रखी है, बिजली का बिल फ्री कर रखा है, पानी का बिल फ्री कर रखा है। सर मैं मानती हूँ उन्होंने एक अनाउंसमेंट किया है कि 200 यूनिट तक आपका फ्री रहेगा, लेकिन आप सर खुद सोचिए 200 यूनिट कितना होता है? एक मिनिमम एक बल्ब और एक पंखा चलता है तो 200 यूनिट खत्म हो जाता है। आज की फैमिली में किसके पास फोन नहीं है, किसके पास फ्रिज नहीं है, किसके पास कूलर नहीं है, बताइए। तो 200 यूनिट से तो ऊपर आता जाता है बिल है, तो आम पब्लिक का बिल आ ही रहा है। एक झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बंदे का अगर बिल नहीं आ रहा तो एक अलग बात है, नहीं तो आम एक फैमिली जो रेंट पे रह रही है ना किराए पे, उसको भी बिल भरना पड़ रहा है। अच्छा, वो तमाम वो नेता फिर से इस इलाके में आएंगे, फिर आपसे वो तमाम वादे करेंगे, कैसे स्वागत करेंगे आप लोग? सर स्वागत तो देखो, हम स्वागत तो हाथ जोड़ के सबके साथ स्वागत ही है, लेकिन हम बताएंगे उन्हें जब हम वोट डालेंगे ना, जब हमारी ताकत है वोट, जो एक 5 साल बाद हमें जो ताकत मिलती है ना वोट की, हमारी ताकत वो है, हम उनको उस वोट से बताएंगे कि हम किसको लाते हैं। हम 10 साल इस बीजेपी सरकार को देख चुके हैं, आम आदमी पार्टी को, जो एक कह के आया था कि मैं गरीब परिवार का बेटा हूँ, मैं दिल्ली का बेटा हूँ कह के, दिल्ली का बेटा बनने के बाद भी उसने दिल्ली के साथ क्या किया ये बताइए? दिल्ली को नरक से नरक में झोंक दिया एक तरह से देखा जाए तो। कोई रोड आप बताइए, मेन रोड भी ऐसे हैं जो टूटे फूटे हैं। तो देखिए, जो आम जनता है बेहद परेशान है और तमाम भारत जो आम आदमी पार्टी सरकार पर आरोप लगा रही है। अरविंद केजरीवाल हमेशा ये खुले मंचों से कहते थे कि वो दिल्ली के बेटे हैं, लेकिन दिल्ली के बेटे ने किस तरह से दिल्ली की हालत करी है वो आप देखिए। ये लगभग 20 फीट का ये रोड है, लगभग 8 से 10 फीट का जो रोड है वो खोद रखा है और इस खुदे हुए रोड से इस आम जो यहाँ पे आने जाने वाले ट्रैफिक को भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और जो लोग हैं बेहद परेशान हैं। लोगों का ये भी कहना है कि 3 से 4 बार विधायक यहाँ पर नारियल फोड़ चुके हैं इस सड़क का उद्घाटन मतलब फिर से बनाने के लिए, लेकिन बावजूद 3 से 4 साल बीत गए हैं लेकिन अभी तक यहाँ पर कोई काम नहीं हुआ है। और ऐसे में देखना बेहद दिलचस्प होगा कि जब जो लोग जो फिर से जो नुमाइंदे हैं वो पार्टी के वो फिर से यहाँ पे आते हैं तो लोग इनका किस तरह से धन्यवाद करेंगे। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com दिल्ली।